सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ जमींदार। देखिए, जो वर्ड जमींदार है ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है ओनर ऑफ लैंड। मिडिवल इंडिया के अंदर जो विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे ये अंडर द सिस्टम होते थे। तो जो विलेज का हेडमैन या फिर जो चीफ होता था ये पर्टिकुलर कास्ट का होता था जो कि लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते थे बाय फोर्स और बाय यूजिंग देयर आर्म्स गन। एंड दिस इज हाउ दे बिकम द लैंड ओनर और जमींदार ऑफ दैट एरिया। एक स्टोरी ये भी है और एक स्टोरी और है कि भी जो हेडमैन एंड क्यून अंगो होते थे, क्यून अंगो का मतलब होता है कि ये जो डेजिग्नेशन थी यूज की जाती थी पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया के अंदर एंड पाकिस्तान के अंदर, ये एक हेरिडिटरी रजिस्ट्रार ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी होते थे इन अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। मीनिंग इसका यही है कि भी एक्स फाउंडर ऑफ अ लॉ। सो जो हेडमैन एंड क्यून अंगो किसी भी विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज के होते थे, इनको लैंड दी जाती थी सैलरी के बदले, जिसकी वजह से ये पावरफुल बन गए उस एरिया के अंदर और इनको राइट मिल गया जमींदारी का। और यहाँ पर और भी इंस्टेंस है रिगार्डिंग टू द ओरिजिन एंड सच टाइप ऑफ जमींदार। सो जो जमींदार हैं ये पे करते थे प्रीफिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फार्मर्स। जो जमींदार थे इसको इसके लिए मालिकाना मिलता था। मालिकाना मतलब है कि वी शेयर ऑफ रेवेन्यू फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रोवाइडिंग हेल्प टू द गवर्नमेंट। इनके पास कोई पावर नहीं थी कि भी ये इनहांस कर सकें रेट ऑफ रेवेन्यू को, पर ये कुछ टैक्स को गैदर करते थे जो कि रिलेट करते थे टू द मैरिज, बर्थ, हाउस एक्सेट्रा, और जो कि सेंक्शन नहीं किए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता कि जो फार्मर्स थे इनको बहुत सारा बर्डन झेलना पड़ता था ऑफ एक्स्ट्रा टैक्सेस। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं था जो कि अमाउंट जो रेवेन्यू पे किया जाता था गवर्नमेंट को, ये सेम रहा। सो जो जमींदार था इसके पास खुद की आर्मी भी होती थी, जैसे कि सवार हो गए, इन्फेंट्री होगी, एलिफेंट्स हो गए, एंड ये जो आर्मी थी ये मेंटेन करती थी लॉ एंड ऑर्डर को इन द विलेज। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी यहाँ पर कुछ जमींदार थे जो कि खुद के एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट भी करते थे और दूसरे के एरिया का भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और ये गवर्नमेंट को पे करते थे वो रेवेन्यू। इन्हें तालुकदार कहा जाता था। मुगल पीरियड के अंदर यहाँ पर जो जमींदार थे इनको डिवाइड किया गया थ्री क्लासेस के अंदर। वन फर्स्ट क्लास है ऑटोनोमस जमींदार, जिन्हें हम स्वायत्त जमींदार कह देते हैं। मेडिटेड जमींदार जो है सेकेंड क्लास है, इसे हम मध्यस्थ जमींदार कह देते हैं। और प्राइमरी जमींदार जिसे हम प्राथमिक जमींदार कह देते हैं। तो इस जमींदार है इसने रिकॉग्नाइज किया सोवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर की और इसे एग्जम्प्ट किया था मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। इनके पास पूरी फ्रीडम थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ देयर स्टेट, बट इनके स्टेट के अंदर जो पॉइंट चलते थे वो मुगल एम्पायर के चलते थे, ताकि ये हवा ना लेने लग जाए कि अपना राज है। और जो मीडिएटर जमींदार हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द प्राथमिक जमींदार, फ्रॉम द प्राइमरी जमींदार। और जो प्राइमरी जमींदार थे ये ओनर ऑफ द लैंड थे, इनके पास राइट था प्रॉपर्टी को सेल करने का, ट्रांसफर करने का और उस लैंड को मॉर्गेज पे रखने का, बट दे कुड नॉट गो एनीवेयर लिविंग द लैंड, पर वो अपनी लैंड को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते थे। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट जमींदार। ये जमींदार का वर्ड कहाँ से आया, जमींदार कैसे बने, जमींदार करता क्या था, जमींदार के पास आर्मी होती थी, जमींदार के कितने टाइप्स हैं मुगल पीरियड के अंदर, दिस इज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। इफ यू गाइस अंडरस्टूड इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज गुरजंत सिंह।